मैंने जो बात सुनी है संदीप भाई की, उससे पूरे तौर पे मुझे इत्तफाक है और बिल्कुल ये क्या कहते हैं एग्जामिनेशन वो पोस्टपोन होना चाहिए, है ना। या फिर अगर एग्जामिनेशन ले रहे हैं तो उससे पहले जो है बच्चों के आने जाने रहने सहने की जो व्यवस्था है, जो परेशानियां हैं, उसके बारे में कोई गवर्नमेंट कोई कॉन्क्रीट कोई बात करे, कुछ करे, तब तो ठीक है। अदरवाइज इस कोरोना के संकट में जो सिचुएशन है ट्रैवलिंग का, प्लस जाकर के कहाँ पे रहेंगे, पहले तो ये था कि कहीं भी ठहर जाते थे, अब तो जाएंगे तो बच्चे ठहरने के लिए भी एक मसला होगा, कहाँ स्टे करेंगे। तो इस तरह की सिचुएशन में मेरे ख्याल में ये इंतहाई गलत बात है कि एग्जामिनेशन डिक्लेयर करना, और इसमें बहुत सारे बच्चे छूट जाएंगे जो इंटेलिजेंट और कॉम्पिटेंट बच्चे हैं। अगर वो छूट गए तो फिर उनकी लाइफ जो है, उनका करियर दाव पे लग जाएगा। तो और ख़ास तौर से जो हमारे वो बच्चे जिन जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जिनको सहूलियात नहीं हैं, वो ज़्यादा मुतासिर होंगे। इंटेलिजेंट हैं, पढ़ने में बहुत मेहनत किया है, सब कुछ किया है, लेकिन उनके पास रिसोर्सेज नहीं है कि वो अवेल करके जा सकें, गाड़ी हायर करके जा सकें, कहीं स्टे कर सकें अच्छी जगह पे, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी परेशानी और चैलेंज है। हम समझते हैं कि ये बिल्कुल सही है, सोशलिस्ट पार्टी का जो स्टैंड है कि उसको अभी न किया जाए। मैंने जो अब तक बातें सुनी हैं, तो मैं थोड़ा देर से ज्वाइन किया मैंने, तो यही चंद बातें थी मेरी इस सिलसिले में।